तो देखिए इसे हम एज इट इज मार्किंग कर लिए हैं, तो मार्किंग मेरा पूरी कंप्लीट हो गई है। अब इसे कट करना है, तो सबसे पहले हम इधर क्रॉस पट्टी निकाल लेते हैं। ये क्रॉस पट्टी निकल गई, और इसे बीच से हम जॉइंट को कट कर देंगे। ये मेरा क्रॉस पट्टी हो गई। उसके बाद कटोरी कट करेंगे। कटोरी कट करना है, एज इट इज मार्किंग किए हैं, जैसे मेरा थर्मा कटिंग था उस तरह। मैंने थर्मा कट पहले कर लेती हूँ, जिस साइज का मुझे बनानी होती है ब्लाउज एकदम परफेक्ट उसी साइज का मैं थर्मा कट करती हूँ, ताकि जरा सा भी छोटी बड़ी ना हो। कस्टमर का मतलब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि मेरा ब्लाउज ऐसे था तो ऐसे हो गया। तो एक थर्मा कट से आप बहुत सारे का नहीं कट करें ब्लाउज। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप लोग को अगर प्रॉब्लम होती है तो बताइए, मैं स्टिच का भी वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, तो देखिए इसे हम कट कर लिए हैं। अब आर्म होल साइड कट करना है। जैसे मार्किंग किए हैं उसी तरह कट करना है। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान से आसान टिप्स लेके मैं बता रही हूँ। जो बिल्कुल सिलाई नहीं जानते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे हो जाएगा। इसे हम पट्टी बनाएंगे हाई और हुक के लिए। अब चलिए स्लीव्स की कटिंग बताते हैं। तो स्लीव्स मेरा ये कपड़ा बचा हुआ है, मैं यहाँ दूसरा कपड़ा नहीं यूज कर रही हूँ। इसे टू फोल्ड पहले करना है, टू फोल्ड करके फिर इसे फोर फोल्ड में करना है। फोर फोल्ड कर लिए हैं ये कपड़ा बचा हुआ। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। मेरी बाजू था 4.5 इंच तैयार। देखिए ये मेरा 4.5 इंच तैयार है, इसमें भी हम टू इंच ऐड करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 6.5 इंच। तो ये 6.5 इंच हो गया। इसी तरह 6.5 इंच में भी मार्क करेंगे यहाँ पे, और मार्क करके इसको हम सीधा लाइन बनाएंगे, बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स तैयार करके यहाँ पे हम जो मेरा कपड़ा थोड़ा सा ये है टेढ़ा मेढ़ा, इसे हम सीधा कर लेंगे। ये कपड़ा को हम पहले सीधा कर देते हैं। देखिए मेरा कपड़ा सीधा हो गया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच हेम के लिए निकाल देंगे, मार्क कर देंगे, फिर 1.5 इंच इधर भी, और इसे हम सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई भी साइज है तो आप इसी फार्मूला से बाजू की कटिंग करें। अब ये 1.5 इंच को हम यहाँ पे अभी फोल्ड कर दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आप फोल्ड कर दिए। उसके बाद हमको लेना है मोहरी। मोहरी मेरा 5 इंच है, 5 इंच ले लिए, और इस लाइन से हमको 2.5 इंच नीचे आना है। तो मैं 2.5 इंच नीचे गया हूँ। उसके बाद हमको 7 इंच यहाँ लेना है, जो मेरा आर्म होल था। इसे 2 इंच तक हम सीधा आएंगे यहाँ से लाइन। अब यहाँ से कर्व देते हुए ऐसे शेप देते हुए ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद इसे हम थोड़ा सा भी लगे कि आप लोग को थोड़ा सा
ये हुआ है दिक्कत, इसे अच्छा से आप मार्क कर लें पहले और मार्क के ही अनुसार आप कटिंग करें। आई आर्म होल का निशान जो है इसे हम मोहरी में मिला दिए। अब मोहरी में मिलाने के बाद एक से डेढ़ इंच, आप दो इंच भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह हम मार्क कर लिए, तो मार्क मेरा देखिए पूरा कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, अब इसको हम इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से सीधा कपड़ा फिर जाके कट कर देना है। तो चलिए मैं सामने में ही कट कर रही हूँ, आप लोग के सामने में ही। जैसे मार्क किए हैं उसी तरह कट करना है। कट कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो